के सामने जो चार्ट दिख रहा है ये अभी निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में देखिएगा तो इस पॉइंट पे पोजीशन लिया गया है। रिक्स रिवार्ड की बात करें तो हमारा जो रिक्स रिवार्ड है वो है 1:3 का, मतलब मैं 1 रुपया दे रहा हूँ और यहाँ पे 3 रुपये कमाऊंगा मैं। मेरा यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं 24,984 रुपये के समथिंग है, 80 से लेके 90 के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मिनट के कैंडल पे अगर जो आप देखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास से ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल का लो है जो कि है यहाँ पे 24,000 यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ इसका लो कितना है। तो इसका लो है 50 का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,850 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हमको यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके साथ साझा किया और ये 5 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, अब हाई चांसेस है कि हमको एक टारगेट देखने को मिल जाए ऊपर की तरफ। और यहाँ पे पोजीशन में अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 100 क्वांटिटी सेल किया गया है 24,800 का, और 24,800 देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नीचे अभी। और उसके बाद से यहाँ पे एक बाइंग किया गया है मिड कैप का 13,000 का कॉल, तो ये सोमवार को एक्सपायरी है, आज ही बाई किया गया है, तो इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस है। अगर जो उसके नीचे आएगा तो मैं इसको काट दूंगा। और एक कॉल यहाँ पे और भी बाई किया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है निफ्टी का 25,200 का कॉल है, आउट ऑफ द मनी है, लेकिन 29 अगस्त का ये एक्सपायरी है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आज का पोजीशन है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2800-2900 के समथिंग अभी का हमारा प्रॉफिट ये चल रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक मूवमेंट हमको इसमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा टारगेट जो है यही है फाइनल, तो मान के चलिए 24,970 से लेके 990 के बीच में अगर जो कहीं पर जाता है तो मैं अपना इसमें टारगेट बुक कर लूँगा और आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट साझा कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।